प्रदेश सरकार की तरफ से रामपुर में आजम खान के खिलाफ कई आपराधिक मुकदमे दर्ज किए गए हैं और उनकी संख्या अब 80 पहुंच गई है। कांग्रेस कैसे देखती है इसको? अभी हमें लगता नहीं कि अभी ये सरकार 80 पर भी रुकने वाली है, क्योंकि उत्तर प्रदेश अपराध प्रदेश बन चुका है, उस पर सरकार नियंत्रण नहीं कर पा रही है। तो खाना पूर्ति करने के लिए उन्होंने आजम खान को ही टारगेट कर लिया है और उस पर मुकदमों की संख्या बढ़ती चली जा रही है। ऐसा लगता है कि जैसे सरकार बहुत बड़ा शिपमेंट कर रही है, और यही क्यों पूरे हिंदुस्तान में बीजेपी का एक अभियान सा चला हुआ है कि विपक्षी नेताओं के खिलाफ किस तरह से ईडी का, इनकम टैक्स का, सीबीआई का हम दुरुपयोग करके उनको कहीं कहीं से फंसावें। वो अपनी यही उपलब्धि मान रही है, जैसे जीडीपी की जैसे गिरावट हो रही है उस तरह से कांग्रेस नेताओं की के खिलाफ मुकदमे हो रहे हैं, और उत्तर प्रदेश में अपराध को कम दिखाने के लिए जो है आजम खान के खिलाफ मुकदमे हो रहे हैं। तो ये सरकार जो है पूरी तरह से फेल है लोगों का ध्यान बटाने के लिए, इस तरह के लोगों को विपक्षी पार्टी के नेताओं को परेशान करने की कोशिश कर।